ऑन चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट में। आज की वीडियो में आपको एक डमी क्लॉक बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी है और अट्रैक्टिव भी, जिसे आप अपने घर में बच्चों के रूम में लगा सकते हैं, जिसके हेल्प से आप बच्चों को टाइम देखना सिखा सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है बनाना, इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको बनाने में। तो चलिए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मटेरियल यहाँ आपको सामने दिख रहा है वो घर में इजीली मिल जाता है। जो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो अलग अलग शेप के सर्कल लिए हैं, या तो इसे आप कंपास से कट कर सकते हैं या घर में किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी हेल्प कर सकती है। जैसे यहाँ प्लेट को नाप के, कटोरे को नाप के आप ऐसे सर्कल कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ बेसिक कलर लिया है व्हाइट और ब्लैक। मैंने यहाँ ब्लैक कलर का एक पेपर कट किया है और ये छोटे सर्कल्स भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको ये बनाना है। एक और चीज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जरूर ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने बड़ा वाला सर्कल लिया है, इसको मैं व्हाइट पेपर से पेस्ट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने फेविकोल से इसको पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट सर्कल जो मैंने यहाँ छोटा वाला कट किया था, इसके लिए मैंने इसी के साइज का ब्लैक पेपर कट किया है, जिसको मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगी फेविकॉल की हेल्प से। साथ ही मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर 6 छोटे छोटे सर्कल लिए हैं, इसको भी हम ब्लैक पेपर से कवर करेंगे। ये पेस्ट करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसको हम सीजर से क्लीन कर लेंगे। अब इन सब पर भी हम ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। इसी तरीके से हम सब पे पेस्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें कवर करी, छोटे सर्कल्स लिए थे, 6 छोटे सर्कल्स लिए थे, इन सबको मैंने कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, और एक छोटे सर्कल को ब्लैक पेपर से और एक बड़े को वाइट से। तो हम क्लॉक का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे 6 सर्कल्स लिए हैं, इसके लिए मैंने 2 वाइट पेपर कट किए हैं, जिसको मैं कुछ इस तरीके से पेस्ट करूँगी सेंटर में। और यहाँ पर जो बचे 4 सर्कल्स हैं, इसमें मैंने ये कुछ छोटे सर्कल्स कट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको हमें कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है, इसी तरीके से बाकी के चारों पे हम पेस्ट करेंगे। तो चलिए हम पहले इसको पेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे ब्लैक पे जो हमको पेस्ट करना था वो मैं यहाँ पेस्ट कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कार्डबोर्ड लिया है, जैसा कि हम लोग वॉल क्लॉक का बेस बना रहे हैं पैंडा, इसलिए हम इसके सबसे पहले फेस बनाएंगे। ये मैंने इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ 2 शेप यूज करी है, सर्कल एंड ओवल। ये मैथ्स के प्रोजेक्ट में भी आपको काम आ सकती है, कुछ से शेप्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट्स बना के देने होते हैं उसमें भी। ये आप देख सकते हैं मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ।
ये सेमी सर्कल लिया है मैंने, सर्कल को बीच से कट किया है। अब इसके अंदर हम यहाँ आईज बना रहे हैं, तो इसके अंदर ब्लैक लीड, दो स्मॉल सर्कल मैंने कट किए हैं। अगेन इसके अंदर मैं थोड़ी सी फेविकोल और लगा रही हूँ। ये बेसिक हमारा फेस रेडी है। अब इन सब चीजों को हम असेंबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूगन। ग्लूगन जल्दी पेस्ट हो जाती है, इससे इजीली पेस्ट कर सकते हैं। वैसे ये फेविकॉल से ही पेस्ट हो सकती है, बट बहुत ज्यादा टाइम लेगी, तो हम जल्दी से ग्लूगन से इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले इसको हम ऐसे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ मैं थोड़ी सी ग्लू लगा रही हूँ। इसके बाद ये हमने सर्कल वाली शेप ले रखी थी, ये हम इसके ईयर सेट करेंगे। ये जो है हम इसके हैंड्स और फिट बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो हमारा वॉल क्लॉक का स्ट्रक्चर है वो रेडी है। अब हम इस पोर्शन पे क्लॉक बनाएंगे। यहाँ मैंने छोटे छोटे स्मॉल सर्कल्स लिए हैं जिसपे मैं नंबर्स लिखूंगी ताकि हम इस पे पेस्ट कर सकें। 1 to 12 तक हम इस पे नंबर लिखते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने नंबर्स लिख लिए हैं, इसको मैं यहाँ पेस्ट करूंगी। सबसे पहले 12, 6, 3, 9। तो यहाँ पर पहले चारों तरफ मैं फेविकॉल लगा लेती हूँ। और हम यहाँ पर सेंटर में मार्क कर लेते हैं डॉट ताकि हम इसके पिन लगा सकें। अब हम बाकी के नंबर्स भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लाइक 1, 2, 4, 5। पहले फेविकॉल लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ सेंटर में आप पिन देख रहे हैं। यहाँ पर इसको हम होल्ड करेंगे पिन की हेल्प से और यहाँ पर क्लॉक के हैंड्स सेट करेंगे। ये मैंने घड़ी के हैंड्स बनाए हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड्स। और ये मैंने पिन ली है, ये आपको टेलर के पास भी मिल जाएगी। ये पिन बॉब पिन्स इसको कहते हैं, और स्टेशनरी शॉप पे भी। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर सेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ मैंने होल कर रखा है छोटा सा, इसको मैं इसके अंदर डालती हूँ। इसके बाद ये मिनट हैंड्स, इसको भी हम सेंटर से इसके अंदर डालेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और आप मैंने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट बनाया था, इसको हम इसकी हेल्प से इसमें होल्ड करेंगे और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप बच्चों को टाइम सिखा रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइम सेट करना उसको बता सकते हैं, 9:10, 9:15, 9:20, इस तरीके से आप।
और अगर आप इसको डेकोरेटिव पीस के तौर पे लगाना चाहते हैं तो आप अलग अलग टाइम सेट करके अपने रूम में डेकोरेशन के तौर पे लगा सकते हैं। साथ में लिख सकते हैं ब्रेकफास्ट टाइम इज दिस, लंच टाइम इज दिस एंड स्टडी टाइम इज दिस। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके की वॉच बना के होम में अपने रूम में लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो ये सेट किया है इसको हम पीछे ले जाते हैं ताकि पिनरेस्ट या पिन देख रहे हैं, इसको हम जस्ट अब फोल्ड करके इस पिन से किसी को चुभ ना जाए इसलिए मैं यहाँ पर ग्लू गन से इसे पेस्ट कर दे रही हूँ। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलो टेप लगा सकते हैं ताकि ये किसी को भी चुभे ना। मैंने यहाँ छोटा सा रिबन लिया है इसको हम हैंग करने के लिए कुछ इस तरीके से पहले पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से अब आप ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप वॉल में हैंग कर सकते हैं। और आप इसी तरीके से अलग अलग डिजाइन की भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पैंडा बनाया पेंगुइन भी बना सकते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। ये बहुत ही इजी वॉच है, इसमें मैंने सिर्फ दो ही शेप का इस्तेमाल किया है, सर्कल एंड ओवल। आप इसे खुद बनाएं, बनाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।